नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, ICICI बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। 23/7/2022 को नतीजे आने वाले थे Q1 FY 23 के, रिजल्ट आ गया है, अपडेट आ गया है। तो ICICI बैंक ने Q1 FY 23 में कितनी कमाई की है, क्या अर्निंग रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बढ़ा है, कितनी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में और प्रॉफिट कितना आया है उसको देखते हैं। अर्निंग पर शेयर क्या रहा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज क्या रहा है Q1 FY 23 में। तो इन नंबर्स को देखते हैं और स्टॉक प्राइस 800 तक पहुंच गया। स्टॉक प्राइस में एक अच्छी तेज़ी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, 800 के आसपास क्लोजिंग आई है और Q1 FY 23 के नंबर्स हैं ICICI बैंक लिमिटेड के। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़ में नंबर्स हैं और 30 जून 2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 23,671 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है और Q4 में 22,674 करोड़ का था। एक साल पहले 30 जून 2021 में 20,383 करोड़, तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ा है Q1 FY 23 में। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए जो टोटल इनकम है 28,336 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है Q1 FY 23 में और Q4 में 27,412 करोड़ का था। एक साल पहले 24,379 करोड़, 24,379 करोड़ का, तो इस क्वार्टर में 28,336 करोड़ का टोटल इनकम है ICICI बैंक का। तो इस क्वार्टर में 28,336 करोड़ का टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आ जाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 18,027 करोड़ का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है और टोटल इनकम 28,336 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10,308 करोड़ का है, 10,308 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और Q4 में था 10,292 करोड़, एक साल पहले 8,894 करोड़। और आगे की तरफ चलते हैं और प्रोविज़न की बात कर लेते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में जो प्रोविज़न है 1,143 करोड़ का है और Q4 में 1,068 करोड़ का था और एक साल पहले 2,851 करोड़ का था। अब सीधे से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट जो ICICI बैंक का आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 6,904 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है और Q4 में था 7,018 करोड़ का, 7,018 करोड़ का था और एक साल पहले 4,616 करोड़ का था। मुनाफा 6,904 करोड़ का है तो Q4 के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है, सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है मुनाफे में, नेट प्रॉफिट में। आगे की तरफ चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज की बात करते हैं तो देखिए ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपेज की बात करते हैं 3.41% का है इस क्वार्टर में Q1 FY 23 में और Q4 में 3.60 का था और एक साल पहले 5.15% का था। तो ग्रॉस एनपेज कम हुआ है। नेट एनपेज की बात करते हैं तो 0.70% का है और Q4 में 0.76% का था, एक साल पहले 1.16% का, तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है दोस्तों। करते हैं अर्निंग पर शेयर की बात करें, 9.93 का है और Q4 में 10.10 का था और एक साल पहले 6.67 का था। ICICI बैंक ने जो नतीजे पेश किए हैं Q1 के, तो देखिए रेवेन्यू एक तरह से बड़ा है, 28,336 करोड़ का रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 6,904 करोड़ का प्रॉफिट है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से मुनाफा थोड़ा बहुत कम है बट सालाना देखते तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार आई है और ग्रॉस एनपेज नेट एनपेज की बात करते तो कमी आई है। तो ICICI बैंक ने जो नतीजे पेश किए तो ठीक ठाक नतीजे हैं। ICICI बैंक के ये Q1 FY 23 के नतीजे थे, स्टॉक प्राइस 800 में है और तेज़ी आई है ICICI बैंक में, ऊपर की तरफ स्टॉक आया है तो जिनको एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है
तो स्टॉप लॉस के द्वारा प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहना चाहिए, और इसका जो 52 वीक हाई है 867, तो ये आगे आने वाले दिनों में ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट में तेज़ी होती है और स्टॉक में अगर गिरावट आती है, जैसे कि अभी 1-1.5 महीने पहले स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था, अगर गिरावट आती है तो स्टॉक को देखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए भी, निवेश के लिए भी। ICICI बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।